हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप सब लोग कैसे हैं? देखो यार, मेरे जो लिपिड प्रोफाइल कल पढ़ाया था, उसको बताया था, उसमें से आज कंटिन्यू आगे करते हैं। तो उसमें देखते हैं सबसे पहले कि ये जो हम कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड या HDL होता है या LDL होता है, इनके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, उनको जान लेते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है, इसका मेन सोर्सेज क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें घी होता है, बटर होता है, चीज़ होती है, मीट होता है, फिश होती हैं एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट होते हैं। तो ये जो क्या नाम, आप एनिमल प्रोडक्ट जितने होते हैं उनको जब आप खाते हैं, लेते हैं, तो उससे कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता है, मैंने कल भी बताया था आपको। और इसके बाद जो है आप ट्राइग्लिसराइड जब लेते हैं, तो ट्राइग्लिसराइड मैंने बताया था कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं और प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, उनमें सभी में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है। अब बात यह है कि हमको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ ले, मतलब अपनी डाइट में यूज करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किसकी वजह से हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि एनिमल प्रोडक्ट जो होते हैं, ये आप इतनी मात्रा में नहीं लेते हैं कि ज़्यादा आप मात्रा में लेते हों। और ट्राइग्लिसराइड होता है तो आप कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, आप बाहर गए वहाँ पर जंक फूड मिलता है, रोड पर ठेला लगा रखे होते हैं, या फिर होटल होता है वहाँ पर आप जाते हैं तो खाते हैं खाना, उसमें जो इसका सबसे मेन बड़ा कारण होता है सोर्सेज जो ट्राइग्लिसराइड आपके बॉडी में बढ़ने का, वो ये होता है कि आप जब जंक फूड खाते हैं उससे बढ़ता है, आप जब पैकेट वाला क्या नाम है स्नैक्स वगैरह लेते हैं उससे बढ़ता है, और वहाँ पर जो समोसे जैसे हो जाते हैं या फिर और उस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जितना भी हमारे ऑयल्स होते हैं उनमें से जब एक बार या दो बार उसे पकवान निकाल लेते हैं, खाने पीने की चीज़ें निकाल लेते हैं तल भून करके, फिर जब उसमें तीन चार बार निकाल लेते हैं तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है, ऑयल की जो क्वालिटी होती है ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से आप जब वो फूड का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके शरीर में हाई ग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड बढ़ा देता है। तो इसलिए क्या नाम है, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें, ज़्यादा ज़्यादा अपने घर का ही बना प्रोडक्ट यूज करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका ट्राइग्लिसराइड ज़रूर कम हो जाएगा। इसके बाद करते हैं HDL। HDL को माना जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल, और ये उन बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि जो आप इस चीज़ के मेडिकल फील्ड में आने की तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे नर्सिंग हो, DMLT में हो, या BA फार्मा हो, डी फार्मा हो, या फिर BSc MLT कर रहा हो, किसी भी तरह की तैयारी कर रहा हो, वहाँ पर पूछ लिया जाता है आपसे कि व्हाट इज गुड कोलेस्ट्रॉल, उसके आगे क्या नाम HDL दे दिया जाएगा, और भी दो बहुत सारी नाम दे दिए जाएंगे, लेकिन उसमें से आपका HDL पूछा जाता है, तो HDL को आप ध्यान में रखना। इसके बाद आता है LDL, इसमें मैंने बता रखा है जंक फूड होते हैं, है ना, स्नैक मार्केटिंग, ये क्या नाम है, जो LDL होता है और ट्राइग्लिसराइड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि हमारे शरीर में और कैसे बढ़ता है, तो आप लोगों को पता नहीं होगा, आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखना कि आप जब क्या नाम है मैदे वाली चीज़ें यूज करते हैं और जैसे चाय वगैरह यूज करते हैं, सिंपल शुगर यूज करते हैं, सिंपल शुगर जैसे कि आप लोग खाने पीने में जंक फूड वगैरह यूज करते हैं, टी यूज करते हैं, उसमें से आप क्या नाम मीठा बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, आप शुगर ले रहे होते हैं, इनटेक कर रहे होते हैं, इनमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शुगर नहीं होती है, सिंपल शुगर होती है। अब वो जो सिंपल शुगर होती है आपके बॉडी में जा कर के क्या करता है कि वो ज़्यादा जब मात्रा में हो जाती है शुगर आपके बॉडी में, तो कहाँ जाता है, एडिपोज टिश्यू में स्टोर होना शुरू हो जाता है। और जब एडिपोज टिश्यू में शुरू होगा तो क्या होता है, एक तरीके से जब आप कभी खाना नहीं खाते हैं, किसी भी तरीके से कोई चीज़ नहीं करते हैं, तो वो आपको एनर्जी देता है, अनयूज्ड एनर्जी होती है। तो ये चीज़ समझ लीजिए, आप ये सोचते हैं कि अगर क्या नाम है, एक क्वेश्चन होता है कि यार हम तो ज़्यादा क्या नाम है ऑयली चीज़ें ले नहीं रहे हैं, ज़्यादा मीट वगैरह खा नहीं रहे हैं, फिर भी हमारा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है या फिर क्या नाम है कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो उसका मेन सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब आप ये सारी चीज़ें ना लेते हैं तब भी क्या नाम है आपका बढ़ जाता है, तो उसका कारण यही होता है कि आप जो अपने डाइट में यूज करते हैं सिंपल शुगर्स वगैरह, उनसे बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें दे रखा है। और LDL जो होता है, ये जो HDL होता है, हाई डेंसिटी लिपिड लाइपोप्रोटीन, ये क्या करता है, आपके शरीर में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, एक तरीके से लाइपोप्रोटीन जो होते हैं हमारे ब्लड में होते हैं, और ये किन से मिलती हैं, तो यहाँ पर मैंने बता रखा है कि जैसे कि ये ऑलिव ऑयल में मिलता है,
है ना, कोकोनट ऑयल में मिलता है, फैटी फिश में मिलता है, जो वो बहुत हेल्दी फिश होती हैं उनमें मिलता है, ग्राम्स में मिलता है, चने वगैरह जो होते हैं उनमें मिलता है। तो ये क्या करता है, जब आपके शरीर में लाइपोप्रोटीन होता है तो ये क्या करता है, जब आपके जो ब्लड होता है जहाँ पर आपके ब्लॉकेज होने के चांसेस होते हैं या फिर जहाँ पर फैट जमना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर जा करके उस फैट को निकाल कर उसको क्लियर करता है, उसको साफ करता है, और उसको यूरिन के थ्रू या फिर क्या नाम है आपका टॉयलेट के थ्रू या इसको साफ कर देता है, उसको हटा देता है। तो इसलिए गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। अब इसको यूज का जो HDL मिलेगा आपको कहाँ से मिलेगा, वो सारी चीज़ें इस तरीके की चीज़ों से मिलेगा, ऑलिव ऑयल से। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इस तरीके की चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करें। अब इसके बाद जैसे HDL है तो आपको बता ही रखा है मैंने, फूड है या इस तरीके से स्नैक्स है, और मार्केट में जो आप फूड इंटेक करते हैं किसी भी जगह जा कर के आप खा लेते हैं, समोसे हैं कुछ भी इस तरह की चीज़ें, तो ये आपका कहना बहुत ज़्यादा जो है HDL बढ़ा वो सॉरी LDL बढ़ाता है। ये नहीं कहना मैं, ये क्या काम करता है, हमारे जो लाइपोप्रोटीन होती हैं, लाइपोप्रोटीन देखो हमारे शरीर में इतनी ज़्यादा मात्रा में तो मिलेंगे नहीं ये, जो क्योंकि आप जब HDL वाली चीज़ें यानी लाइपोप्रोटीन वाली चीज़ें लेंगे नहीं इतनी मात्रा में, तो आपकी बॉडी में लाइपोप्रोटीन तो इतनी होंगी नहीं, तो उनको कंज्यूम करने के लिए क्या होगा, ये क्या नाम है बचेंगे नहीं, और ऊपर से क्या नाम है आप इस तरह की चीज़ें ले रहे होते हैं, तो आपके शरीर में जब लाइपोप्रोटीन की कमी हो जाएगी तभी ये क्या नाम है चाहे ट्राइग्लिसराइड हो या फिर कोलेस्ट्रॉल हो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब दूसरी बात यह है कि अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है तो उसको कैसे कम करें, या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो कैसे कम करें, तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि आप एक्सरसाइज करें, जितना ज़्यादा ज़्यादा एक्सरसाइज करें, लगभग 30 मिनट्स आप अगर पर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है ट्राइग्लिसराइड है तो होता है कम हो जाता है। अगर किसी का 200 के ये 400 के ऊपर अगर पहुंच रहा है या फिर 500 पहुंच रहा है या फिर 300 के ऊपर होता है, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि आप फास्टिंग कर लें, एक दिन की 2 दिन की आप फास्ट कर रख लें, इसके बाद ऑटोमेटिक ये जो है ट्राइग्लिसराइड या फिर कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। अब ये कब बॉर्डर लाइन पर जाता है, तो देखो कोलेस्ट्रॉल अगर 239 से अगर ऊपर जाता है तो ये माना जाता है कि आपका हाई रिस्क होता है। वहीं पर अगर बात करें कि ट्राइग्लिसराइड ये 200 के ऊपर है, मतलब ये माना जाता है कि 150 तक होना चाहिए, लेकिन ऐसा मानना नहीं है, अगर आपका 200 के ऊपर जाता है तो हाई रिस्क में आ जाता है। अब इनकी वजह से क्या होता है कि आपका हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक, स्ट्रोक जो होता है ब्रेन का होता है, और साथ ही साथ अदर जो हार्ट की डिसीज होती हैं उनके उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है, और जो पेशेंट शुगर के होते हैं, थायराइड के होते हैं, उनमें भी ये कॉमन होता है, जो पेशेंट या जो लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं उनमें बहुत ज़्यादा लिपिड का बढ़ने का चांसेस होते हैं, कुछ लोगों में होता है जेनेटिक होता है। तो जैसे कि आपके घर में कोई अगर लिपिड प्रोफाइल का पेशेंट है, ठीक है, लाइपेमिक पेशेंट है, तो उसका बढ़ना स्वाभाविक है, जेनेटिकली भी होता है ये। अब बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट में क्या यूज कर सकते हैं, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसके लिए इसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है उस पर विजिट करें, उसमें से और भी एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैंने उसमें बता रखा है कि इसके जो बॉर्डर लाइन होता है, आप रिपोर्ट जब कराते हैं तो क्या कैसे होता है, वो उसमें आपको मिल जाएगा।